जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय जिनेंद्र, आज हम देखेंगे एक ऐसे जैन दानवीर के संदर्भ में जो अपनी दानवीरता से पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, जिनकी देशभक्ति और समाज सेवा को युगों युगों तक याद किया जाएगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जैन दानवीर श्रेष्ठी श्री भामा शाह जी से संबंधित 7 अद्भुत रहस्य देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। फैक्ट प्रारंभ करने से पहले हम भामा शाह जी का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। भामा शाह जी का जन्म एक जैन ओसवाल परिवार में विक्रम संवत 1604 सन 1547 में हुआ था। भामा शाह जी की जन्म दिनांक एवं जन्म स्थान को लेकर थोड़ा बहुत संशय है, जिसे हम इस वीडियो में आगे आने वाले फैक्ट में देखेंगे। भामा शाह जी के पिताजी का नाम श्री भारमल जी कावड़िया और माता जी का नाम श्री कर्पूर देवी था। भामा शाह जी के भाई का नाम श्री तारा चंद जी था। भामा शाह जी की पत्नी का नाम श्री धनलक्ष्मी जी था। उनके पुत्र का नाम जीवा शाह एवं पुत्री का नाम जागीशा बाई था और उनके पौत्र का नाम अक्षय राज था। भामा शाह जी के गुरु का नाम श्री देपागर सूरी जी था। मित्रों, यह तो था उनके जीवन का कुछ सामान्य परिचय। चलिए अब देख लेते हैं 7 ऐसे अद्भुत फैक्ट्स जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, भामा शाह जी के जन्म दिनांक एवं स्थान को लेकर कुछ संशय है। जैसे कुछ इतिहासकारों का मत है कि भामा शाह जी का जन्म विक्रम संवत 1604 ईस्वी सन 1547 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि भामा शाह जी का जन्म 29 अप्रैल 1547 को मेवाड़ राज्य के सादड़ी में हुआ था, जो वर्तमान में पाली जिले में है। आप कमेंट्स कर बताइए कि इनका वास्तविक जन्म स्थान कौन सा रहा होगा। फैक्ट नंबर 2, शंख देव अधिष्ठित दक्षिणावर्त शंख के प्रभाव से भामा शाह जी को विवाह के उपलक्ष्य में उस समय लगभग 18 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी, जो वर्तमान में अरबों खरबों की संपत्ति से भी अधिक है। मित्रों, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तो अद्भुत फैक्ट आने बाकी हैं। फैक्ट नंबर 3, भामा शाह जी का पूरा परिवार देशभक्त और समाज सेवी था। उनके पिताजी श्री भारमल जी को राणा सांगा ने रणथंभौर का किलेदार बनाया था, और जब भारमल जी रणथंभौर के प्रधान किलेदार थे, तब तक मुगलों ने रणथंभौर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। श्री भामा शाह जी के पिताजी श्री भारमल जी ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यह परिवार कितना बड़ा देशभक्त था। फैक्ट नंबर 4, भामा शाह जी द्वारा श्री महाराणा प्रताप जी की सहायता को पूरा विश्व जानता है। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध में पराजित होकर अपने परिवार के साथ जंगलों में रह रहे थे, तब भामा शाह जी ने अपनी समस्त जमा पूंजी महाराणा प्रताप जी को समर्पित कर दी थी। यह धन संपत्ति इतनी थी कि जिससे लगभग 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक जीवन निर्वाह हो सके। ऐसी अतुलनीय समर्पण भक्ति को देखकर मेवाड़ के लोगों में यह पंक्तियां प्रसिद्ध हो चुकी थी कि वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामा शाह लाल पला, उस दान वीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। भामा शाह जी से सहयोग प्राप्त कर महाराणा प्रताप जी में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति को संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर पुनः मेवाड़ राज्य प्राप्त किया था। भामा शाह जी की बहादुरी और देशभक्ति को देखकर महाराणा प्रताप ने उन्हें प्रधान बनाया था। भामा शाह जी एवं उनके भाई ताराचंद जी दोनों ही वीर योद्धा थे। हल्दी घाटी युद्ध में भामा शाह जी एवं उनके भाई ताराचंद जी ने महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति के रूप में नेतृत्व भी किया था। कहा जाता है कि जिस मोर्चे पर वह तैनात थे, वहां से मुगल सेना 6 कोस तक दूर रहती थी। मैराथन युद्ध के रूप में प्रसिद्ध दिवेर के युद्ध में विजय होने पर भामा शाह जी का बड़ा योगदान था। भामा शाह जी महाराणा प्रताप जी से आयु में 7 वर्ष छोटे थे और दोनों ही परम मित्र थे। फैक्ट नंबर 5, भामा शाह जी में देशभक्ति के साथ साथ धर्म भक्ति भी थी। उन्होंने जैन कुल में जन्म लेकर लाखों लोगों को अहिंसा धर्म से जोड़ा था। वह उदार एवं धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अनेकों बार ओसवाल एवं जैन समाज के 52 गांवों को भोजन करवाया था। साथ ही उन्होंने ब्राह्मण सहित अन्य समुदाय के गांवों को भी भोजन करवाया था। भामा शाह जी एवं उनके भाई ताराचंद जी ने अनेकों जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। भामा शाह जी समाज सेवा के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी थे। उन्होंने भाई ताराचंद जी के साथ मिलकर अनेकों विद्वान एवं कवियों को प्रोत्साहित किया था एवं अनेकों पुस्तकें भी लिखवाई थी। फैक्ट नंबर 6,
भामाशाह जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी पत्नी को बही खाता देकर कहा था कि इसे सुरक्षित महाराणा प्रताप जी तक पहुंचा देना। महाराणा प्रताप ने भामाशाह जी की भक्ति को देखते हुए अपने पुत्र अमर सिंह से कहा था कि भामाशाह जी के बाद उनके पुत्र को ही प्रधान बनाना। यह परंपरा लगातार 3 पीढ़ियों तक चलती रही। भामाशाह जी के बाद उनके पुत्र जीवाशाह जी और उनके बाद जीवाशाह जी के पुत्र अक्षय राज जी मेवाड़ के प्रधान बने थे। फैक्ट नंबर 7, भामाशाह जी की दानवीरता आज विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी कोई दानवीर दान देता है तो उसे भामाशाह जी के उपनाम से सम्मानित किया जाता है। आज भामाशाह जी नहीं है किंतु उनकी दानवीरता युगों युगों तक संसार में रहेगी। भामाशाह जी के वंशज कावड़िया परिवार आज भी राजस्थान के उदयपुर में रहते हैं और आज भी ओसवाल जैन समाज कावड़िया परिवार का सम्मान सबसे पूर्व तिलक लगाकर करते हैं। इस प्रकार से भामाशाह जी के परिवार की 3 पीढ़ियों ने मेवाड़ में प्रधान पद पर रहकर उत्कृष्ट कार्य करते हुए जैन शासन का मान बढ़ाया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर भामाशाह जी की अनुमोदना कीजिए। जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु सब्सक्राइब करना ना भूले।